भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी जितेंद्र शुक्ला ने बाड़चौवन रेलवे कॉलोनी प्रचार अभियान करके आम जनता से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने की अपील की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 जय श्री राम। जितेंद्र भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, जितेंद्र भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, जितेंद्र भैया जैसा हो। भारत माता की जय। वंदे सर, भारतीय जनता पार्टी के आप बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हो, लोकप्रिय कार्यकर्ता हो। पार्टी ने इस बार विश्वास आप पे जताया है, किस प्रकार जनता का रुझान मिला? भारतीय जनता पार्टी संगठन ने सेवा कार्य करने के लिए जो प्रत्याशी भाजपा कमल से बनाया है, तो मैं सभी दूर जनता के बीच जो जनसंपर्क चल रहा है, 19 वर्षों से हमारी सरकार है, 19 वर्षों से सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उससे जनता को जो सुख सुविधा मिली है, जो जनता को लाभ मिला है, उसके तहत जहाँ भी हम जा रहे हैं, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। सर, भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं आम लोगों तक पहुंची है, उसका फायदा भी नरेंद्र चुनाव से देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। हमारी चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे हमारी लाली लक्ष्मी योजना हो, ये ऐसी योजना है जो व्यक्ति तक पहुंची, उनको सुविधा लाभ मिला है, तो उससे भी जनता को पूरी सुख सुविधा के कारण जनता हमें पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे रही है। सर, नरेंद्र चुनाव को विधानसभा चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है, शिवराज जी चौहान खुद मैदान में उतरे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल जो हमेशा चुनाव लड़ता है, हमेशा जनता के बीच रहता है। बाकी अन्य विपक्षी दल हैं, कांग्रेस वगैरह जैसे दल हैं, वो सिर्फ चुनाव के दौरान जनता के बीच आते हैं। हम सदैव जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है। अभी आप सब ने देखा, कोरोना काल के दौरान एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल था जिसके कार्यकर्ता समाज में जनता के बीच सेवा वस्तुओं में भोजन बांटने का कार्य हो, उनके कोई भी जरूरत की सामग्री पहुँचाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो हम तो हमेशा चुनाव लड़ते हैं, हमेशा जनता के बीच रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, तो चुनाव ये प्रक्रिया है, ऐसा नगरीय निकाय का चुनाव है, तो पूरा उनका आशीर्वाद है और उन्होंने ऐसा जन कल्याणकारी योजना हमारे चेहरा है प्रदेश का, इसलिए पूरे मैदान पे भारतीय जनता